कल रात को कम्युनिटी पोस्ट डालने के बाद कुछ शाणे कमेंट सेक्शन में ऐसे शाणे बन रहे क्योंकि वो कम्युनिटी पोस्ट में इजीली पता चलता है मैंने क्या लिखा था, कंटेंट प्लस एक्शन ग्रेटर देन मास प्लस ड्रामा। उसमें इजीली समझ आता है मैं कौन से डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। उसमें कमेंट सेक्शन में कुछ लोग वो डायरेक्टर का नाम लिखकर बोल रहे हैं मुझे पहले से पता था। ये भाई ये इनका जन्मी स्थल है। जब मैंने कोई अपडेट दिया वो अपडेट 100% एक्यूरेट हो जाता है तो ये लोग बोलते ये सबको पहले से पता था। चलो मैंने कल को अपडेट दिया कि भूकंप आने वाला है, ये भूकंप आ जाता है तो ये लोग बोलेगा वो शास्त्री जी ने मेरे को पहले से बता के रखा था। ये लोग ऐसे है। और अगर वो गलती से अपडेट गलत हो गया तो भाई पूरी दुनिया में सारे लोगों ने बोला होगा उनको पकड़ो मत मेरे को पकड़ो। तो ये इनका ईगो सेटिस्फाई करने का ये सब है। सब बकलौल लोगों को मैं ज़्यादा काउंट अप नहीं करता हूँ। तो भाई 2-3 दिन पहले की बात है, ये मेरे एवेंजर्स ग्रुप की तरफ से भाई जो सबसे ज़्यादा अपडेट्स मेरे को देते हैं वो 2-3 लोग हैं। उनमें से एक बंदे ने, क्योंकि उसका भी एक्यूरेसी रेट 100% है भाई, 90-100%। वो बंदा अभी ट्विटर से गायब है, कुछ काम वगैरह चल रहा है उसका। तो ऐसा है ना कि मेरे को भी सही लगा भाई, सुनकर सही लगा। मेरे को ऐसा लगा कि भाई शाहरुख खान अभी क्या है, ये थोड़ा सा कंटेंट प्लस मतलब जो पब्लिक के हिसाब से चल रहा है भाई, ये एक्चुअली अब ये पब्लिक के हिसाब से चल रहा है। पब्लिक को क्या चाहिए, राजन डीके की जो मूवी है भाई, दैट इज़ द फ्रंट रनर फिल्म ऑफ शाहरुख खान राइट नाउ। मतलब वो 6-7 डायरेक्टर में कोई फिल्म आओ ना हो, इस बंदे की फिल्म कन्फर्म हो चुकी है। इस बंदे की फिल्म फ्रंट रनर में चल रही है एंड इस बंदे की फिल्म 100% इस बंदे की फिल्म आनी है तय। अब वो अगली फिल्म है क्योंकि कोई डिक्लेयर नहीं कर पा रहा, वहाँ पर कोई डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है ये फिल्म है ये फराह खान शंकर अलग अलग नाम निकल कर आ रहे हैं, तो कोई डिक्लेयर नहीं कर पा रही कि कौन सी फिल्म होने वाली। तो दिस इज 100% कन्फर्म, दिस इज एक्यूरेटली कन्फर्म कि फ्रंट रनर में राजन डीके चल रहे हैं। वही दोनों की फिल्म सबसे पहले कन्फर्म्ड, लाइक अ कन्फर्म, हम बोलते हैं ना ऑफिशियल है कि यही होने वाला है। तो ये तो इनकी, अभी कोई आएगा बोलेगा सुकुमार, फिर कोई आएगा बोलेगा चूतड़ों से पता चला है कि जेम्स कैमरॉन करने वाला है, फिर कोई आएगा बोलेगा मरसोर्स बता रहे कि सब कुछ नहीं है भाई, सब कुछ नहीं। घंटा किसी को अभी तक कुछ भी डिक्लेयर हुआ नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। मैंने बोला था ना जैसे ये अंदर सब हंगामा चलेगा वो हंगामा बाहर आ जाएगा, कम से कम मेरे तक तो आ ही जाएगा, या मेरे तक ना आए उन बंदों तक तो आ जाएगा जिन बंदों की मैं बात कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी ये सुनने के बाद, ये चीज़ मेरे को जब पता चली सुनने के बाद, भाई मैं हैप्पी हूँ। बिकॉज कुछ लोग अभी एकदम अपने आप में एकदम तारा आदर्श बनेंगे, राजन डीके के साथ नहीं करनी। भाई इंडियन सिनेमा में अभी जो शाहरुख खान क्या पकड़ रहा है पता है, जो ट्रेंड में उसके हिसाब से चल रहा है। हाँ उसके बीच में वो बंदा अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, डंकी जैसी फिल्म को, ड्रामेटिक फिल्म को उठा रहा है, बट वो बंदा वही उसके साथ साथ वही पकड़ रहा है जो भी ट्रेंड में। भाई राजन डीके अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, बहुत मतलब आतंक लेवल के ट्रेंड में। सोच कर देखो वो बंदे, मानता हूँ मैं वेब सीरीज़ बनाते हैं, नो डाउट वेब सीरीज़ अलग होती है मूवी अलग होती है, ठीक है मूवी में भी उनका एक्सपीरियंस है भाई, स्त्री मूवी में उनका एक्सपीरियंस इट्स लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीस मूवी इन हॉरर कॉमेडी जॉनर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीस मूवी। तो वो मेरे को वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो लोग किस लेवल के, डायरेक्शन उनका कैसा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। भाई फैमिली मैन उठाओ, फैमिली मैन सीजन 2 उठा लो, कोई क्या है वो, अभी वो आई थी पूरा इंडिया में हिल गया था पूरा फर्जी। तो मुझे उसके डायरेक्शन में उनका डाउट नहीं है, बट हाँ इतना बड़ा सुपरस्टार है उसका एक अलग ही ऑरा है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं समझता हूँ कि भाई वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हैवी है। लेकिन अगर SRK ने इनको ही फ्रंट रनर में रखा हुआ है, इनको ही सबसे पहले चूज करने का प्लान किया है, इनका ही स्क्रिप्ट सबसे पहले सुन रहा है, इनको ही डिसीजन दे, इनको ही ले रहा है, ऐसा सेलेक्ट कर रहा है अपना फर्स्ट फिल्म आफ्टर डंकी, तो भाई तो सही है ना भाई, फिर तो सही है। वो तो बराबर ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है क्योंकि वो सब सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकबस्टर्स दे रहे हैं अभी, सोच कर देखो। और हाँ द कंटेंट ऑफ दिस मूवी इज कंटेंट ओरिएंटेड एक्शन फिल्म, कंटेंट एक्शन फिल्म मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, काइंड ऑफ कंटेंट एक्शन फिल्म्स अभी मेरे सडन दिमाग में आ नहीं रहा है, एक हैवी कंटेंट ओरिएंटेड एक्शन फिल्म। तो इमेजिन करो, अब डिस्ट्रक्शन इमेजिन करो, एक एक्शन फिल्म है, शाहरुख खान का स्टारडम है, प्लस उसमें हैवी कंटेंट ओरिएंटेड है,
हैवी कंटेंट ओरिएंटेड स्क्रिप्ट है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं ये लोग कंटेंट के मामले में ये लोग क्या करते हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर वन पे कोई डायरेक्टर अभी चल रहा है जो 100% मेरे हिसाब से और अपडेट्स के हिसाब से जो कि कन्फर्म्ड है, लगभग कन्फर्म्ड हो चुका है, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पता मैं क्या सोच रहा था कि क्योंकि मेरे को अलग अलग जगह से अपडेट्स आए हुए, ये सब ऐसा 50-60 डायरेक्टर बोलना, ये मेरा, मैं भले ही डायरेक्टर का नाम लेकर एक वीडियो बनाता हूँ, मैं उसमें बता देता हूँ कि ये डायरेक्टर के साथ काम करेगा या नहीं करेगा, काम कर, मैं सीधा बोलता हूँ नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, मैं सीधा बोलता हूँ। मैंने एग्जैक्ट हिसाब से अगर मैं बोला हूँ कि ये डायरेक्टर के साथ 100% काम करेगा तो वो लोकेश कनगराज, दूसरा था आशिक अब्बू था, वो आशिक अब्बू था, एंड तीसरा था मेरे अपडेट्स के हिसाब से राजन डी के। तो राजन डी के उसमें से कन्फर्म्ड, लगभग कन्फर्म्ड की तरफ से आया हुआ कि ये बंदा ये फिल्म करने वाला भाई, दे आर द फ्रंट रनर्स ऑफ SRK's अपकमिंग मूवी लिस्ट। तो मेरे हिसाब से ये अनाउंस, ये फर्स्ट फिल्म अनाउंस करेगा राजन डिकी की फिल्म, अभी नेक्स्ट अनाउंस करेगा या सेकंड अनाउंस करेगा वो नहीं पता, बट ये फिल्म लगभग कन्फर्म है भाई, कन्फर्म है, लगभग भी नहीं कन्फर्म है। और आने वाले जो बाकी 6-7 नाम है, जैसे कि उसमें सुकुमार, विट्री मरन, फराह खान, शंकर, फिर कबीर खान, फिर और एक कोई डायरेक्टर था, हाँ संजय लीला भंसाली, ये संजय लीला भंसाली का मैंने वीडियो बनाया, मैंने क्या बोला नहीं बनाएगा भाई, 2 दिन बाद संजय लीला भंसाली ने दूसरी फिल्म अनाउंस कर दी। तो टाइटल देखो, दूसरे लोग भी टाइटल करते उसमें ये चीज़ आकर बोलते कि इसके साथ भी फिल्म हो सकता है, मैं हो सकता है नहीं बोलता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ नहीं बनाएगा बनाएगा, नहीं बनाएगा बनाएगा, खत्म बात होगी, बात उधर ही खत्म हो, संजय लीला भंसाली नेवर, नो चांस, फिल्म का चांस ही नहीं लेगा वो बंदा, नहीं बनाएगा। द सेकेंड थिंग, उस दिन मैंने बोला था कि वो कोई एक रूमर्स फटकर आया था KGF टॉक्सिक, नहीं बनाएगा, नहीं करेगा, क्या जब पूरी दुनिया एक तरफ होती ना, मैं सीधा बोलता हूँ नहीं करेगा, खत्म बात खत्म, मैं इनके तरह नहीं हुए, ये 10-20 इल्ज़ाम मेरे ऊपर भी आ जाता है कि 10-20 नाम देता है, नाम देता है, वीडियो खोलकर अंदर देखा करो। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, बस अब एक हाईलाइट मिल चुका है मेरे को कि नेक्स्ट फिल्म या नेक्स्ट टू नेक्स्ट फिल्म राजन डिकी की फिल्म ही है, 100% होगी होने वाला, और मेरे हिसाब से भाई ये सही डिसीजन है, ये सही डिसीजन लिया SRK ने, बिकॉज भाई सेम एक हैवी बहुत बड़ा डायरेक्टर का क्या हो जाता है कि उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, तो वो दो कॉम्बिनेशन मतलब ब्लैश मगडप हो जाते हो पूरा। तो ऐसा है कि कोई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायरेक्टर उठाओ जो कि आपको उस स्केल में दिखा, बड़े डायरेक्टर्स का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने SRK के ऊपर देख लिए, और बड़े डायरेक्टर्स नहीं चाहिए, वो कौन है, वो मैगी मैन ने तो हंगामा कर दिया था, मैगी मैन का नाम इतना खतरनाक था, मैगी मैन के बाद एक अगला आया, अरे बाप रे बाप, क्या था उसका डायलॉग, SRK के जो ऑडियंस चले गए मैं ऑडियंस सारा वापस लेकर आऊँगा, अरे बापा, ये बड़ा डायरेक्टर और SRK का कॉम्बिनेशन तो मेरे को बिल्कुल चाहिए ही नहीं, चाहिए ना, डायरेक्टर ऐसा हो कि फट टू फट काम करे, और वो स्टार का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कंधे पर उठा रहा है ऐसा नहीं, वो स्टार को ऐसा दिखाए, एक एक्टर की तरह दिखाए, ज़बरदस्त एक्टर की तरह है, उनके लिए वो एक एक्टर ही हो, उनको अपने स्क्रिप्ट पर ज़्यादा भरोसा हो, तो राजन डी के इज़ वेरी वेरी एक्सीलेंट चॉइस, गुड चॉइस, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था। तो मिलते हैं अपने के लिए साथ, तब तक के लिए अपडेट सही लगा तो सब्सक्राइब करो और लेकर आता रहूँगा, तो इसी तरह मैं बोला ना, वेट करो, लाना है तो मैं ही लेकर आऊँगा, बाकी ये सब 20-25 चलता है, शंकर, जेम्स कैमरॉन, क्रिस्टोफर नोलन, ये चलता रहेगा, ये एक जगह पे पॉइंट अप आकर रुकेगा और वहीं पर मैटर ख़त्म हो जाएगा। मैं अगला 2-3 डायरेक्टर भी मेरे को कुछ पता चला है उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आता हूँ, तो मिलते हैं अपने के लिए।